डाउन एक, चल बोल दो, डाउन तीन, डाउन चार, डाउन पांच, डाउन छह, डाउन सात, डाउन आठ, डाउन पैर पास में, पैर पास में, डाउन सवास दस, डाउन ग्यारह, डाउन बारह, डाउन तेरह, डाउन चौदह, डाउन पंद्रह, सवास सवास कुमार बनमोर बनमोर बनमोर, डाउन डाउन सवास नेक्स्ट नेक्स्ट ओवर के यहाँ स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए पे राम इधर1 2 3 4 5 6 7 डाउन पास में फिर आठ, डाउन नौ, डाउन दस, डाउन ग्यारह, डाउन बारह, सवास सवास डाउन तेरह, डाउन चौदह, चौदह चौदह, डाउन पंद्रह, बार बार जब कर, डाउन सोलह, डाउन सत्रह, नेक्स्ट नेक्स्ट तुम बोल एक, तुम्हें पता है हाँ एक डाउन डाउन हेलो दो, हाय बैंड में रहनजी प्रमार आपका स्वागत करता हूँ बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पे लड़के बीमो की प्रैक्टिस कर रहे हैं सीपी भर्ती के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ जो अभी यहाँ पे जो बीमो का बीम लगवाने का काम कर रहे थे इनका नाम है विवेक चौहान जो कि आर्मी में अभी ट्रेनिंग कर आए हैं, तो मैं मिलवाना चाहता हूँ इनसे आप लोगों को, तो आप थोड़ा टिप्स बताना लड़के भर्ती में क्या गलती करें क्या नहीं करें। लड़के एक तो कुछ ज़्यादा खाना पीना बाहर का ना खाएं, और जो एक्सरसाइज है अभी लास्ट टाइम पे हार्ड वर्क ना करें जिससे कि बॉडी यार पैर लॉक हो, हल्का सा एक्सरसाइज करें, और भर्ती भर्ती जाते समय जितना रिलैक्स अपने शरीर को रखें उतना स्ट्रेस में ना आए कि भर्ती में क्या होगा क्या कैसा है, बिल्कुल रिलैक्स जाएं और अपना आराम से भर्ती आराम से निकल जाएगी। कितना भी टाइमिंग आ रहा हो ये नहीं सोचना है कि हमारी भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती लास्ट लास्ट टाइम तक लास्ट राउंड तक अपने आप में ये रखना है कि हमें भर्ती निकालनी है और हमें रेस निकालनी है बस। इनका नाम है विवेक चौहान जो कि पिछले जो भर्ती हुई थी टीकमगढ़ में इन्होंने तहलका मचा रखा था, धूम मचा रखी थी। इनका एक साथी था रामजी ठाकुर जो कि आपने पिछले वीडियो में हमारे फोटो देखे होंगे हमारे आईडी पे, इन दोनों ने बहुत अच्छा पूरे निवाड़ी से एक्सीलेंट आए थे, 100 में से 100 इनके नंबर थे फिजिकल में, तो इनसे अच्छा तो मैं भी बता सकता और इनसे अच्छा ये लोग भी बता सकते, और आप कितनी भी वीडियो देख लोगे इनसे अच्छा एक्सपीरियंस आप कोई नहीं दे पाएगा। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो लड़के पूछते हैं कि आगे रहना चाहिए पीछे रहना चाहिए तो क्या है उसका, क्या मतलब क्या है उसका? आगे पीछे लगने का कोई मतलब नहीं है, अपना अपने आप पे भरोसा रखो कि हम पीछे भी लगे तो भी हम रेस निकाल सकें, और टेक्निक होनी चाहिए रेस निकालने की, और कुछ नहीं। आगे भी लगने वाला बंदा भी फेल होता है और पीछे लगने वाला बंदा भी पास होता है, ये नहीं है कि पीछे लगने वाला बंदा बिल्कुल फेल ही है, नहीं ऐसा नहीं है।
सीधी सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, मेहनत करके जाते हो, तो आपको आगे पीछे कहीं भी लगा दें। अगर पीछे लग भी गए तो आपको साइड से कवर करना होता है, जहाँ जगह खाली होती है। लड़के सब ग्राउंड की तरफ भागते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और इन्होंने जिस तरह वहाँ पे भर्ती निकाली थी फिजिकल में, और निवाड़ी का नाम रोशन किया था वहाँ पे, एक्सीलेंट आए थे, ये ग्राउंड आगे थे, इनका जो टाइमिंग था वो 5 मिनट के पहले ही कम्प्लीट किया था इन लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी 100 में 100 मार्क्स लाएँ, और बुंदेलखंड अकेडमी की जितनी भी वीडियो हैं अब आने वाले हैं भर्ती संबंधित, आप सभी देखते रहें। जय हिंद।